बच्चों कक्षा द्वितीय विषय कक्षा द्वितीय विषय आज हम पाठ एक में जो व्याकरण आए उस वाली विषय देखने वाले हैं, जिसमें है वर्तनी वाक्य प्रयोग। उसमें कुछ उदाहरण भी कर लिखे, मतलब बिंदु परिवर्तन के भी उदाहरण है, तो उसका भी हम अभ्यास करने वाले हैं। तो वर्तनी क्या है, हमने सीखा है वर्तनी यानी कि सही से लिखना शुद्ध वाक्य। तो वर्तनी मतलब वाक्य शुद्ध है, सही वर्तनी शुद्ध वाक्य, गलत वर्तनी अशुद्ध वाक्य। काला मात्रा उकार बिना ह्रस्व दीर्घ सारी चीजों का विचार करते हुए एक वचन बहुवचन इनको देखते हुए हम वर्तनी को लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न है, इसका जो हम अभ्यास करने वाले हैं भाषा विकास में ग्रामर पाठ के वर्तनी देखेंगे। सही वर्तन और गलत वर्तन, जो सही वर्तन है तो सही करेंगे, गलत है तो गलत करेंगे। पाठ में वर्तन जो मैंने द्वारा उसमें से कुछ शब्द इसमें दिए हैं। तो पहला शब्द हमारा क्या है, झिंगुर, और दूसरा है झिंग। बादल ने बैंड बजाया, झिंगुर ने शहनाई। झिंगुर या झिंग, झिंग नहीं आएगा इसको उनकी माता शब्द तीसरा हमारा पाठ के अंदर है फूलों। फूलों सही वर्तनी कौन सी है,
बादल। आपको इस शब्द का प्रयोग वाक्य में करना है, तो बादल को लेकर हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे आसमान में नीले नीले बादल हो गए, वर्षा के समय आसमान में काले बादल थे, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, आसमान में बादल घूमन घूमन कर रहे थे, तो हम अलग अलग शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें आसमान में काले बादल छाए थे, काले बादल छाए थे, तो यहाँ पे जो है बादल, इसका हमें वाक्य में प्रयोग किया है कि बादल शब्द का वाक्य प्रयोग कैसे किया, आसमान में काले बादल छाए थे, बादल इस शब्द को हमने रेखांकित किया, अवलोकित किया। उसके बाद दूसरा शब्द है मोड़, वर्षा के आते ही मोर नृत्य करने लगे, मोर पौधों में नृत्य कर दिया। वाक्य प्रयोग मतलब उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है आपको, तो इससे हमने छोटे छोटे दो अक्षर तीन अक्षर चार अक्षर शब्दों को मिलाकर हम कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया है बादल, आसमान बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले थे, फूल शब्द को अवलोकित कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या चार शब्द है, हमने इसका वाक्य प्रयोग देखा। पहला शब्द है बादल, आसमान में काले बादल छाए थे, हमने वाक्य में प्रयोग किया इसका, आसमान में काले बादल छाए थे, बादल को अवलोकित किया है। मोर वर्षा के आते ही मोर नृत्य करने लगे, मोर को अवलोकित किया। तिलक दूल्हे के माथे पर सुंदर तिलक था, तिलक को अवलोकित किया। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले थे, फूल को अवलोकित किया। इस तरह से देखिए वाक्य प्रयोग किया और इसका हमने रेखांकित किया। फिर से देखिए वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग मतलब कोई भी शब्द आपको दिया है उसमें आपको वाक्य में उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य प्रयोग में वाक्य की शर्त है कि वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसे कोई अर्थ नहीं करना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए। इस तरह से यहाँ चार शब्द दिए, पहला शब्द है बादल, हमने वाक्य में प्रयोग किया, हथिनी
देखिए विषय मेंढक मेंढकी शेर शेरनी मोर मोरनी दूल्हा दुल्हन सखा सखी हाथी हथेली। इसे सही वर्ण में गलत वर्ण में इसमें झिंगुरी शब्द सही है झिंगुर वर्ण मेंढक जिसमें चिंता है वो गलत है जहाँ पर चिंता नहीं है वो सही है। फूलों फूल के नीचे फल के नीचे चिंता है वो गलत है फूलों ऐसे सही वर्ण में होगी ओढ़ी घर के नीचे चिंता है वो सही है ये ओढ़ी गलत है पापी ये शब्द गलत है जहाँ पर चिंता हुआ वो सही है। पछतावा ऐसे है पछतावा जाएगी वर्ण भी नहीं हो सकते हैं दुल्हन क्या जाएगी वर्ण है सही है दूल्हा या ये जो है वो गलत है। इसके बाद चार शब्द है बाकी पर चले गए बादल आसमान में काले बादल छाए थे बादल शब्द जहाँ पर हम प्रयोग किए इसको अधिक क्या है रेखांकित किया है। मोर वर्षा के आते ही मोर मृत्यु करने लगे मोर को अधिक किया तिलक दूल्हे के माथे पर सुंदर तिलक था फूल बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले दिए। आपको लिखना है पढ़ना है बार बार बादल आसमान में काले बादल छाए थे मोर वर्षा के आते ही मोर मृत्यु करने लगे तिलक दूल्हे के माथे पर सुंदर तिलक था फूल बगीचे में सुंदर सुंदर फूल थे। उदाहरण तिलक लिखे हम सब आपको लिंग में परिवर्तन करना है जैसे मेंढक मेंढकी शेर शेरनी मोर मोरनी दूल्हा दुल्हन सखा सखी हाथी हथेली। इस तरह से पार्ट ए में जितने भी व्याकरणिक प्रश्न आए हैं इसका हमने आज रिवीजन किया है सही वर्तन गलत वर्तन और बाकी प्रयोगों का रिवीजन एक बार फिर से किया है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे। धन्यवाद।